हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम देख रहे थे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। तो पार्ट टेन में हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ मोशन। फ्लूइड जब मूव होता है तब वो कौन कौन से मोशन जनरेट करता है उसके बारे में। तो जनरली टाइप ऑफ मोशन जो हम फ्लूइड के लिए पढ़ेंगे वो चार टाइप का होता है। कौन कौन सा? फोर टाइप ऑफ फ्लूइड पार्टिकल वाइल मूविंग। फर्स्ट वन इज लीनियर ट्रांसलेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन और शियर डिफॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज़ रोटेशन। वन बाई वन हम ये चारों को देखते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं और फिर एक टॉपिक और इसका है। दो टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, वोर्टिसिटी, ठीक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा रह जाएगा और फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम खूब सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे एंड देन चैप्टर एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। ओके तो हाँ, फर्स्ट है हमारा लीनियर ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या होता? सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसे समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट इन सच अ वे दैट इट मूव्स बॉडिली फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। बॉडिली फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन मतलब हमारा, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक्स वाई एक प्लेन है। ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा एक फ्लूइड का पार्टिकल है जिसे हमने नाम दिया है सेंटर से सेंटर दे ए बी सी डी। ये एक पार्टिकल है। अब अगर ये पार्टिकल लीनियर ट्रांसलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे अभी ये पार्टिकल है, इस पोजीशन से चेंज होकर वो किसी अलग पोजीशन पे, मीन्स ये पोजीशन पे आके आ जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो इसे बोलते हैं हम लीनियर ट्रांसलेशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ बोला है इट मूव्स बॉडली फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। दिस इज अनदर पोजिशन, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ओके अगला हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो लीनियर डिफॉर्मेशन हम देखते हैं द डिफॉर्मेशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट इन लीनियर डायरेक्शन व्हेन द एलिमेंट मूव्स द एक्सिस ऑफ द एलिमेंट इन द डिफॉर्म्ड पोजीशन एंड अनडिफॉर्म्ड पोजीशन आर पैरेलल बट देयर लेंथ चेंजेस। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जो हमारा ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में मेरा एक पार्टिकल है ए बी सी डी। तो जब ये लीनियर डिफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, अपने पोजीशन से पोजीशन पे, अपने पोजीशन पे ही रहता है, बस उसका उसमें डिफॉर्मेशन होता है, मींस उसके लेंथ चेंज हो जाते हैं। एक तरफ हमारा देखो लेंथ कम हो रहा है, दूसरी तरफ लेंथ हमारा बढ़ रहा है। तो जो पार्टिकल पोजीशन पे तो है बट पार्टिकल का लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। द डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इन अ लीनियर डायरेक्शन व्हेन द एलिमेंट मूव्स द एक्सिस ऑफ द एलिमेंट इन द डिफॉर्म पोजिशन एंड एन अनडिफॉर्म पोजिशन आर पैरेलल बट देयर लेंथ चेंजेस। देखो इसका जो डिफॉर्मेशन नीचे हुआ है कम हो गया है, ये पैरेलल है एक्सिस। देखें अगर हम ए बी देखें, ए बी किसके पैरेलल है, ए डैश बी डैश के, और सी डी किसके पैरेलल है, सी डैश डी डैश के। एक्सिस पैरेलल होगा, ओनली क्या होगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, दैट इज लीनियर डिफॉर्मेशन। ओके थर्ड वन इज एंगुलर डिफॉर्मेशन और जिसे सीयर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। सीयर डिफॉर्मेशन शियर फोर्स के कारण होता है, ये हम सब जानते हैं। क्या होता है शियर फोर्स में, ये एक हमारा बॉडी हुआ, ठीक है, ये हमारा दूसरा बॉडी हुआ, ये दोनों ऐसे रखा हुआ है। अब इस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है और ये ग्रीन पेन पे अब की ओर फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, ऐसे कुछ चेंजेस होगा। ऐसे जो चेंज हो रहा है, अगर ये दोनों ज्वाइंट हैं, ये क्या होगा, उन दोनों के बीच में शियर हो रहा है, तो उस किसी पर्टिकुलर एंगल पे शियर होता है, ठीक है। देख जैसे देखें यहाँ पे
एलिमेंट जो नॉर्मल कंडीशन में है, जब इस हमारे बॉडी में, इस फ्लूइड पार्टिकल में जब एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, तो किसी दो एडजेसेंट साइड से इसका एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर देखो आप ध्यान से, ये पहले रेक्टेंगल था, फिर ये रेक्टेंगल तो उस टाइम भी रहेगा, सॉरी स्क्वायर तो उस टाइम भी रहेगा, बट इस किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू Del θ1 प्लस Del θ2। दिस इज थीट, ये जो यहाँ से टिल्ट हुआ है ये एंगल θ1, और ये जो ऊपर वाला ये जो टिल्ट हुआ है दैट इज θ2, ठीक है। और शियर स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू 1/2 Del V/Del x प्लस Del U/Del y, ओके। सी डी, ठीक है। जब ये रोटेट होगा फ्लूइड, जब हमारा रोटेशन मोशन में होगा, रोटेट होगा, तो ये देखो ये कुछ ऐसे से एक्सेस, रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला ऐसे था, अब ये एक्सेस भी देखो ऐसे हो गया। ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते जा रहा है। इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट इन सच अ वे डैट बोथ इट्स एक्सेस हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सिस चेंज हो रहा है। देखो ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, दिस मीन्स रोटेशन हो रहा है। और रोटेशन कंपोनेंट हमारा क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 Del W/Del y माइनस Del V/Del z। ये तो हमने रोटेशन कंपोनेंट कैसे निकलता है ये तो हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें पहले ही मैं आपको बोला था, याद करके रखना, हर जगह काम आएगा। तो ये हमारा WX, ओमेगा x, ओमेगा y एंड ओमेगा z इज द रोटेशन कंपोनेंट, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा रह गया, दैट इज वोर्टिसिटी। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है वोर्टिसिटी का, नॉर्मल छोटा सा टॉपिक है बस। वोर्टिसिटी मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ट्वाइस ऑफ द रोटेशन एंड हेंस इट गिव्स एस टू ओमेगा। जो हमारा रोटेशन कंपोनेंट होता है, WX, WY, WZ, ओमेगा वाई ओमेगा जेड, आपने क्वेश्चन आपको कुछ दिया है तो आपने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड निकाल लिया, तो आप रिजल्टेंट ओमेगा निकाल लीजिए, दैट इज ओमेगा एक्स का स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड का स्क्वायर। आपने रिजल्टेंट ओमेगा निकाल लिया। अब अगर आप जो आपका आंसर आया उसको अगर आप ट्वाइस कर दें तो वो इक्वल हो जाता है वोर्टिसिटी के, और इसे हम बोलते हैं काई, दैट इज काई, ठीक है। काई इज इक्वल टू 2 ओमेगा, दिस मीन्स दिस इज वोर्टिसिटी, इट इज वोर्टिसिटी, ये हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये टाइप ऑफ मोशन एंड वोर्टिसिटी ये दो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ पे कमेंट्स, फीडबैक, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी दे सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।